जिला बिलासपुर के उपमंडल स्वारघाट में रविवार के दिन जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनमंच कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की मंत्री सरवीण चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जबकि प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित जनमंच कार्यक्रम में ज्यादातर पानी की समस्याएं सामने आई। जनमंच में सरवीण चौधरी ने कहा कि ये प्रदेश सरकार की अनूठी पहल है और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और जनमंच कार्यक्रम से लोगों की शिकायत निवारण करने में सहायता मिलेगी। जनमंच कार्यक्रम के दौरान 139 आवेदन और शिकायत प्राप्त हुए, जिनमें से 36 का निपटारा मौके पर हो गया तथा शेष बचे सभी शिकायत व मांग पत्र संबंधित विभागों को शीघ्र निपटारे हेतु भेज दिए गए। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर लोगों की सुविधा को देखते हुए 62 विभिन्न प्रमाण पत्र तथा 12 लर्निंग लाइसेंस बनाए गए तथा 60 लोगों की चिकित्सा जांच भी की गई तथा चिकित्सा विभाग की ओर से लोगों के लिए निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। उन्होंने बताया कि जनमंच कार्यक्रम के दौरान 36 पंचायतों के 700 से अधिक लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के अंतर्गत इस विधानसभा क्षेत्र की पंचायत टाली, कुठेला, स्वाहण, बहेला, तरसू के 46 वृद्ध अवस्था पेंशन योजना के तहत पंजीकृत किए गए। गांव के लोगों के साथ प्रशासन का जुड़ सरकार का जुड़ इस तरह की प्रैक्टिस पहले भी हमारे बीजेपी के समय में शुरू हुई थी प्रशासन जनता के द्वारा, उसी तरह पर जन मंच का यहां पर आयोजन जो है किया जा रहा है। और जब भी हमारी भाजपा की सरकार आती है लोगों से सीधा जुड़कर उनकी समस्याओं पर हल करने का प्रयास हुआ है सरकार का। कि मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश में हर जिले हेडक्वार्टर के ऊपर हो रहा है, और जो हर महीने होगा और उस जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र अलग अलग एरियाज कवर किए जाएंगे, ताकि उस जिले के आम व्यक्ति जो शिमला तक नहीं पहुँच सकता या केवल अपनी बात को विभाग तक रखता है लेकिन उसकी पैसे का अभाव होने से दूसरी तीसरी चीज़ों के कारण उसकी समस्या हल नहीं हो पाती। विकास का जहाँ काम आता है, कहीं की जमीन की बंटवारे की बात आ रही, कहीं पर हेल्थ की प्रॉब्लम, लोगों के सड़क की प्रॉब्लम है, तो सरकार के ध्यान में सीधे तौर पर जब भी समस्या आएंगी तो मैक्सिमम उसका जो है हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। जितना पॉसिबल हो सकेगा सरकार उसको पूरा करेगी, और जनमंच के माध्यम से जो है हिमाचल के आम जन के साथ सरकार का सीधा संबंध जो है एक अच्छा सुखद अनुभव जो है लोगों को मिलेगा। आपके सामने किस तरह की